हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल लेके आ गया, लेकिन क्या होता जी हाँ, आज मैं आया हुआ हूँ शाम बाज़ार। और कहाँ आया हूँ चलो ये दिखा देता हूँ। आज मैं आया हुआ एक बहुत ही पुरानी शॉप आप कह सकते हो, या केबिन, एक्चुअली इसको बंगाली में केबिन कहा जाता है, जहाँ पर चाय और नाश्ता कुछ मिलता है, हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का। और ये शाम बाज़ार आपको बिल्कुल जो है जहाँ क्रॉसिंग है उसके सामने में आपको मिल जाएगा। क्या नाम है, कितने साल पुराना है, तो सब कुछ ऑनर से पूछेंगे और आपको बताऊंगा। और ये बिल्कुल आज भी, जैसा कहते हैं ना, शाम बाज़ार में काफ़ी दुकानें ऐसी है जो आज भी कह सकते हैं, मतलब आप देखोगे ना तो लगेगा पुराने कोलकाता की याद ताज़ा हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मत सोचना कि ये इस तरह का गंदगी लग रही है, नीचे नहीं, दुकान बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस इसको इसलिए इस तरह छोड़ा गया कि जो है महसूस कर पाए इंसान आकर कि ओल्ड कोलकाता किस टाइप का था। तो बिल्कुल इसी टाइप की दुकानें पहले हुआ करती थी। और यहाँ पे क्या क्या है अवेलेबल, चलो देखते हैं, नाश्ता करते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। और कलकत्ते जैसा शहर तो रूए जमीन भी नहीं। अगर मैं मुजर्रिद होता, यानी कि बैचलर अनमैरिड, और खानादारी की जिम्मेवारियां मुझ पे हायल ना होती, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं का हो जाता। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं और ऑलरेडी मैंने ऑर्डर भी दे दिया है, तो अभी नाश्ता जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको चलिए छोटा सा टूर दे देता हूँ, अपना किचन भी दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप मैं फर्स्ट टाइम इस दुकान में फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं बिल्कुल पुराने कोलकाता वाली वाइब्स आ रही है, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। और मतलब हमेशा पापा बोला करते थे, तो उस टाइप की वाइब्स, मतलब जो पापा बोला करते थे अपने ज़माने के बाद, तो वो चीज़ यहाँ पर आके ना वो वाइब्स एकदम मिल रही है। और काफ़ी अच्छी जगह है, मैंने भी ऑर्डर दे दिया है और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इनका टूर देता हूँ और थोड़ा सा इनका प्यारा सा एक किचन दिखाता हूँ। तो ये इनका किचन एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बोल दिया नाश्ता तो यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो देखो यहाँ पे टोस्टर की मशीन भी पहले वाली है। और यहाँ पे हमारा जो है पोज बनने वाला है। ओके दादा, यहाँ पे पोच बन रहा है, यहाँ पे टोस्ट बन रहे हैं, और यहाँ पे बटर वटर का काम हो रहा है। यहाँ भी इनका किचन है, चाय वाय यहाँ बन रही है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से सिस्टम माइज सब कुछ किया हुआ है। अंडा वाला फ्राई देखा है। ओके सर, और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है मेरा। ऑमलेट एक और कर दीजिएगा। और मैं बार बार आपको एक बार और कह दूं कि दुकान पर मत जाइएगा, इसको जानबूझ के से छोड़ा गया, लेकिन जो साफ़ सफाई है, जहाँ पे आपको खाना मिल रहा है बिल्कुल जैसे होना चाहिए, साफ़ सफाई सब कुछ है, आप देख सकते हैं ना। हाँ, हम समझ रहे कि पुराना वो वाइब्स आए यहाँ पे। और ये दुकान की वही खूबसूरती है, आप देख सकते हो, मतलब यहाँ आओगे ना आपको लगेगा कि हाँ पुराने कोलकाता में आप आके खो गए हो। मैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सच में मैं भी जो है 150 साल पीछे जा चुका हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनी रहा है और किचन में मैंने आपको दिखा दिया है, तो चलो अब ऑर्डर आ जाए हमारा। तो चलो थोड़ा खाते हैं, पीते हैं, फिर ऑनर से कुछ बातें भी करते हैं। तो पहले खाते हैं ना, भूख बहुत लग रही है, क्योंकि तो खाना नहीं जाता तो क्या होता है, बात नहीं की जाती अंदर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है,
और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मज़ा आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा, इसलिए गर्मा गर्म टोस्ट है, ऑमलेट है, पोच है, ये मतलब एम्बियंस है पुराना एकदम ज़बरदस्त। अब बाहर देखो यार, बाहर हो रही है बारिश अभी तेज़, आ रहे थे तो बूंदा बूंदी थी और अभी बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही है, और इस बारिश में मतलब गर्मा गर्म टोस्ट और ये माहौल, मज़ा आ गया। ये देखो बारिश, समझ में आ रहा होगा बारिश हो रही है आप लोग को, और काफ़ी अच्छी खासी तेज़ हो रही है बारिश। अच्छा हुआ हम लोग टाइम से आ गए, थोड़ा भी देर होती और 5 मिनट तो भीग जाते हम लोग। तो यही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारा जो नाश्ता भी आ चुका है, तो चलो फ्रेंड्स इसको खाते भी हैं। और देखो इसका कोई टेस्ट ऐसा कुछ अलग से नहीं है, नॉर्मल से टोस्ट है, जैम लगी हुई है मैंगो फ्लेवर, यहाँ पे नॉर्मल का टोस्ट है, उसमें बटर लगाया हुआ है। पोच थोड़ा सा यहाँ का यूनिक है, क्योंकि ये पोच आपको सिर्फ कोलकाता में ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग डबल साइड नहीं खाते हैं, इसी तरह का कच्चा खाते हैं, क्योंकि नीचे से सिंगल साइड पकता है, वो भी ज़्यादा रेड नहीं होता है, नॉर्मल सा रहता है बस। और यहाँ पे ऑमलेट है, तो ओवरऑल यही है। और क्या प्राइस है नहीं है मैं सब मैं मेंशन कर दूंगा नीचे आपको, क्या क्या प्राइस है आप लोग देख लेना। और ये इनका मेन्यू है, यहाँ भी आप लोग देख लो, अगर आपको बंगाली आती है तो बंगाली में लिखा हुआ है सब, ओ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब, तो ये रहा। तो चलो फ्रेंड्स इसको बिस्मिल्लाह करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं, जो यहाँ पे कस्टमर हैं उनसे भी कुछ बातें करेंगे, तो बातें भी करते हैं, पहले खाते हैं उसके बाद ही बातें करते हैं। सो मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो ये मत सोचना कि क्या मैं टोस्ट का वीडियो बना रहा हूँ, है ना, बहुत से लोग सोचेंगे कि टोस्ट क्या, टोस्ट मत देखना, ये दुकान देखो, ये इसका एम्बियंस देखो, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मालगुड़ी डेज की शूटिंग की गई, हाँ हाँ, तो मेरा शूट कर रहा है, मैं उस दौर पे चली गई हूँ, मैंने मतलब बता नहीं सकती मैं क्या सोच। और साफ सफाई पूरी है, सिर्फ वो इसलिए जान पर छोड़ा गया कि इसका जो है वो वाइब्स है, बाकी आप टेबल देखो, चेयर देखो, जमीन में आपको एक जगह भी कूड़ा या कचरा नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ी बात ये है। और खाने का किचन भी एकदम साफ सुथरा है। तो चलो फ्रेंड्स खाते हैं, भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा, है ना, खाते खाते बातें करते हैं। चलो फ्रेंड्स खाते हैं, तो पहले मैंगो वाला खाते हैं, मैंगो जेली, बहुत दिन हो गया बचपन में खाते थे, अब तो मैंगो जेली हर जगह मिलती भी नहीं है, पाइनएप्पल मिलती है और वो मिलती है मिक्स फ्रूट मैंगो। अरे कमलेट हाँ हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है बचपन आकर, बचपन में जो है पापा हमेशा हर तरह की जेली लाकर रखते थे, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, तो हर दिन हमारा बंदा हुआ था आज ये जैम लगेगा, आज ये जैम लगेगा, क्योंकि हम लोग के ज़माने में तो उतना नहीं था, अब तो इतने सारे सुविधा हो गए, 10 रुपये केक आता है, ये आता है, हमारे ज़माने में केक आता था ब्रिटानिया का तो 35 रुपये ना 30 रुपये लाता था, तो उतना महंगा तो भाई टिफिन अब डेली कोई देगा नहीं, तो हम लोग का ज़्यादातर टोस्ट हो गया, सब्जी पूड़ी हो गई, तो बिल्कुल ये वाला केस रहता था, अच्छा लग रहा है। और प्लस ये एम्बियंस ऐसा है ना कि खाते खाते आप खुद थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, वो जैन में टोस्ट लगा हुआ लेकर खाना, रो रो कर जाना, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तब भी जाता था, पापा छोड़ कर आ रहे, पता नहीं चला वक्त अब गुजर गया, देखते देखते मैं पापा बन गया, अब दरियान मछला बड़ा हो गया, उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ज़िंदगी है पता नहीं इतनी जल्दी भागती है, कुछ पता ही नहीं चलता। जब मैं 5-10 साल का था तो सोचता था कब मैं बड़ा होऊंगा, कब अपना कमाऊंगा, तो ऐसा करूंगा, आज बड़ा हो गया तो अब याद करता हूँ, वो बचपन ही सही था। उनका पोच है, ये पोच में जैसे वन साइड है, हल्का सा फ्राई किया हुआ तेल में, और यहाँ पे एक ऑमलेट लिया फ्राइडे के लिए मैंने, और ये जल्दी मतलब इसमें से नमक और वो है क्या बोलते हैं काली मिर्च, गोल मिर्च का, इसको खाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, और साइड ऐसा फाड़ दो, साहब को अलावा अंडा पसंद नहीं मैं, लेकिन हमेशा खाता हूँ इस तरह का आधा बड़ी, घर में भी मैं घर में भी अगर बनवाता हूँ ना तो साहिबा से ऐसे ही खाता हूँ, मतलब हाफ हाफ फ्राई होता है, और साहिबा को नहीं होता, साहिबा पूरा एकदम लाल करके जब तक उसका फ्राई नहीं होगा तब तक नहीं खाते। कुरकुरे टोस्ट, मौसम रिमझिम, ये एम्बियंस, पैसा वसूल, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया और हमने मंगाई चाय, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो इतनी चाय की हूँ, तो मैंने सब तरह की मंगा ली जो जो यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये है लिकर चाय जिसको हम लोग काली चाय कहते हैं, ये है लेमन टी मतलब काली चाय में नींबू और मसाला डाला जाता है, और ये है यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी, और ये है इनकी सुबह की स्पेशल चाय, तो अगर आप सुबह आते हो तो आपको इस कप में मिलेगी सुबह की चाय, और अगर आप शाम में आते हो तो फिर नॉर्मल कप में मिलेगी, तो सुबह अगर आओगे तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, तो इस चाय का नाम ही है सुबह की चाय। सो चलो अब चारों टेस्ट करते हैं, और चाय का चलो मैं टेस्ट बता देता है ना, क्योंकि चाय का जो टेस्ट बनता है। चलिए फ्रेंड सबसे पहले इनका लेकर ही चाय पीते हैं,
काली चाय जिसको हम लोग कहते हैं, क्या क्या प्राइस है नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और इस दुकान का नाम है क्या? नेशनल इकोनॉमिक रेस्टोरेंट। हाँ, ब्लैक टी है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा है कि अगर पी लोगे तो आँख एकदम खुल जाएगी नीम से। एकदम अच्छी लग रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है निकट टी ना बहुत ज़्यादा पी होगा ना तो बहुत कड़वी हो जाती, तो वैसी नहीं है, एकदम सही है, मीठा भी है, कड़ी भी नहीं है, नॉर्मल और अच्छी लग रही है चाय निकट टी। लेमन टी जो कि मुझे पसंद है, मैं हमेशा पीता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त, मतलब अगर ऐसी चाय सुबह मिल जाए तो आदमी दूध की चाय नहीं पिएगा, इतनी अच्छी चाय है। और बंगाल में ना जो बंगालीज होते हैं वो लोग ज़्यादा जो है ना सुबह या शाम में लिक्विड टी या लेमन टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो मिल्क टी होती है ना वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, गैस का प्रॉब्लम होता है सभी। ये मेरी सुबह की चाय, मतलब चाय पीकर कॉकटेल हो जाएगा पेट में। बहुत कड़क, एकदम कड़क चाय है, चीनी बिल्कुल कम है, अगर चीनी आपको लगी तो ले लो, लेकिन ऐसी चीनी कि मुझे नहीं लगता कि लेना पड़ेगा, कड़क चाय है, मज़ा आ रहा है पीने में, अच्छी चाय है। फिर कह दूँ बंगाली रेस्टोरेंट में आपको चाय कड़क ही मिलेगी, अगर आप यहाँ पे किसी घर भी जाते बंगाली को तो आपको चाय भैया बड़ी कड़क मिलेगी, जो कि काफ़ी मज़ा आता है पीने में। और ये आ गई उनकी स्पेशल कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी। बहुत ज़बरदस्त। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना तो हो ही गया, और चलिए कुछ बातें करते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या होगा दादा? मेरा नाम है विष्णु। विष्णु, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 7 साल से काम कर रहे हैं। 7 साल हो गया। अच्छा, ये कितना साल पुराना दुकान है ये आप बताइए? ये तो हो गया आपका 120 ईयर्स हो चुका ऑलरेडी। अच्छा, तो अभी जो जनरेशन है ये कितना जनरेशन चल रहा है दुकानदार का? 104। नहीं नहीं, जनरेशन इससे पहले कौन था? इनके बाबा थे और कितना दुकान है इस तरह का पुराना दुकान अगर कोई आता है तो? एक ये है, एक हरिदास मोदक भी काफी पुराना है। अच्छा, ये सबसे पुराने में आते। अच्छा, ये रंग नहीं कराने का क्या है, किस लिए? ये जो आदमी आता है यहाँ पे, हाँ हाँ, वाइफ्स के लिए, मज़ा नहीं आएगा फिर, इसलिए। और क्या टाइमिंग है आप लोग का यहाँ पे बता दीजिए, सुबह से रात कितने बजे से कितने बजे? हम लोग का सुबह 6:30 बजे दुकान खुलता है, ठीक है, और रात भी 9:30 बजे। ओ, मतलब पूरा दिन रहता है 6:30 से, और कोई दिन बंद रहता है? नहीं नहीं, होली का समय बाकी सैटरडे संडे सब खुला। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आप आते हो तो दादा से मुलाकात हो ही जाएगी, आप तो हमेशा ही रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दादा एक बैठे हुए हैं, ये भी चाय वाय पिए हैं। दादा आपका क्या नाम होगा, नाम बताइए? मेरा नाम है अनिरुद्ध दत्ता। तो आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत साल के। फिर भी कितने साल से बताइए? 15 साल हो गया। 15 साल, मतलब एक बार आए फिर आना जाना लगा रहता है? तो आप लोग क्या ज़्यादा चाय पीते हैं यहाँ पर आके? तो स्पेशल क्या लगता है यहाँ पे, जो आप यहाँ पर आते हैं सब कुछ छोड़ कर? ये बताइए, एकदम अलग है, बहुत अच्छा है। बस ये तो है, मैं भी आया हूँ, मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मैं भी आऊँगा, इतना अच्छा लगा। बहुत दिन का स्टॉल ये वाला, यहाँ पर 3-4 तो है, एक तो है गोलबाड़ी, गोल, अच्छा, नवीन चंद्र दास स्वीट का दुकान है, और एक तो है सौरभ मिष्ठी दुकान है। अच्छा अच्छा, सब ये सब पुराना? अच्छा अच्छा, सब पुराना है, सब पुराना है। चलिए, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, वेरी मेनी थैंक्स। और यहाँ पे भी दादा बैठे। दादा आपका क्या नाम होगा, नाम बताइए भाई? मेरा चंद्रमा साहब। अच्छा, आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? 5 साल। आप भी 5 साल से? वही चाय टोस्ट खाने के लिए, चाय टोस्ट, और यहाँ का जो आदमी लोग आते हैं ना। हाँ, ये तो पब्लिक में भी सब अच्छे घर के पास, हाँ, नो डाउट। सो चलिए फ्रेंड, आप समझ में आ रहा है, और यहाँ की पब्लिक भी नो डाउट काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, मतलब अच्छा एम्बियंस, आप फैमिली के साथ आते हो, फ्रेंड्स के साथ आते हो, तो एक बार ज़रूर आइए आप लोग यहाँ पे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जो फुल पिकअप में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शूटिंग का टाइम में यहाँ पर चाय पी के जा रहा
नो ये तो है, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल मतलब आप आके लगेगा ना कि आप 100 साल पहले चले गए, पीछे चले जा चुके हो, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब एम्बियंस तो मैं मतलब 10 out of 10 दूंगा, काफ़ी मज़ा आया। बाकी बिहेवियर, चाय वाय सब कुछ अच्छा था। तो अगर आप फ्रेंड्स लोग के साथ या कभी फैमिली के साथ कुछ यूनिक जगह जाना चाहते हो तो एक बार आ सकते हो यहाँ पर आकर, जो है इनका टोस्ट और चाय वाय। देखो चाय तो बहाना है, एक्चुअली इस जगह का जो है मज़ा लेना है, तो आप आओ एक बार ज़रूर। तो चलो फ्रेंड्स, अभी साहिबान ने और एक पोच मंगवाया अपने लिए, इसको डबल साइड चाहिए था तो उनको रिक्वेस्ट है तो बना दिया। अगर आपको भी चाहिए तो डबल साइड ही मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिंगल साइड पसंद नहीं है, और हमने पी लिए 4 तरह की चाय कॉफ़ी, पेट बस अल्लाह रहम करे। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे यहीं इजाज़त चाहूँगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना ढेर सारा प्यार यहीं बरसाते रहें। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए और धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।